हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड लेसन, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का रहस्य, विच इज़ रोड बाय नॉर्मन विंसेंट पील। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दो चैप्टर कर लिए हैं, द हैप्पी प्रिंस एंड वेयर इज साइंस टेकिंग अस, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो राइटर थे नॉर्मन विंसेंट पील, एक बहुत फेमस राइटर थे और एक अमेरिकन मिनिस्टर थे। उनकी सबसे फेमस बुक थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बिफोर वी स्टार्ट, आई विल टेल यू समथिंग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया है और उसके मीनिंग्स मैंने हिंदी में साथ लिखे हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की खास बात ये है कि ये जो चैप्टर है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको अलग अलग टाइटल दिया गया है और इन टाइटल्स में अलग अलग एग्जाम्पल के साथ चैप्टर को समझाया गया है। सो लेट स्टार्ट। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, डायनामिक्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध की गतिशीलता। द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल लाइफ इज व्हेन ही बिगेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू रियलाइज हिमसेल्फ। हर एक व्यक्ति का सबसे महान दिन वो होता है जब उसे पहली बार आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है। इट हैपन टू अ कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ माइन वंस विद ड्रामेटिक सडननेस। ऐसा ही एक बार मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, एक नाटकीय ढंग के साथ अचानक उसके साथ हुआ था। ही वॉज एन अनसक्सेसफुल इन हिज स्टडीज एज ही वॉज एफिशेंट अपॉन द एथलेटिक फील्ड। भले ही वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, स्टडीज़ में अच्छा नहीं था, पर वो स्पोर्ट्स में यानी कि एथलेटिक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एफिशेंट था। डेस्टिनी हाउ एवर हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंज वे। हालांकि नियति के अपने अजीब तरीके होते हैं। वन डे इन अ क्लास इन साइकोलॉजी आवर स्टूडेंट फ्रेंड सडनली बिकेम इनथ्रेटल्ड एज द प्रोफेसर डिस्क्राइब्ड हाउ द एवरेज मैन फेल्स बिकॉज ही डज नॉट लर्न टू कंट्रोल एंड कंसोलिडेट हिज पावर्स। एक दिन हमारी साइकोलॉजी की क्लास में जो मेरा फ्रेंड था, उसे अचानक मंत्रमुग्ध हो गया था जब टीचर ने यह बताया, प्रोफेसर ने डिस्क्राइब किया कि कैसे एक एवरेज मैन फेल होता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना, कंसोलिडेट करना सीख नहीं पाता है। इस बात को सुनकर जो उनका फ्रेंड था राइटर का, वो मंत्रमुग्ध हो गया था, यानी कि सम्मोहित हो गया था। ही यूज द फैमिलियर इलस्ट्रेशन ऑफ द बर्निंग ग्लास। प्रोफेसर ने बर्निंग ग्लास, जो कि एक परिचित उदाहरण का यूज़ किया था। द रेज ऑफ द सन फॉलिंग अपॉन अ पीस ऑफ पेपर हैव लिटल इफेक्ट। अगर सूरज की किरणें पीस ऑफ पेपर पर पड़े, यानी कि कागज़ के टुकड़े पर पड़े, तो उसका बहुत कम प्रभाव होगा। लेट देम हाउ एवर बी ड्रॉन बाई द बर्निंग ग्लास टू अ फोकस एंड दे क्रिएट एन इंटेंस हीट विच विल क्विकली बर्न अ होल इन द पेपर। अगर वही सूरज की किरणों को हम बर्निंग गिलास द्वारा खींच लें और कागज़ पर केंद्रित कर दें, तो वो एक तीव्र गर्मी को पैदा करेगा जिससे जल्दी उस पेपर पर छेद हो जाएगा। द प्रोफेसर पॉइंटेड आउट दैट द मैन हु सक्सीड इज़ द वन हु कैन ड्रा हिज डिसिपेटेड एंड देयर फॉर फ्यूटाइल पावर्स टू अ फोकस। तो प्रोफेसर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा कि वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपनी डिसिपेटेड यानी कि भंग, जो बेकार की पावर्स हैं, जो निरर्थक पावर्स हैं, उनको फोकस के साथ खींच ले और उनको पावर्स को एक सही काम पर लगाएगा, तो वो व्यक्ति जीवन में सफल होगा। Our students said that in a flashing illumination he saw the cause of his own failure. वो जो छात्र था, स्टूडेंट था, उसने कहा कि उसने जो चमकती रोशनी है उसमें अपनी खुद की जो विफलता है, खुद की जो असफलता है, उसका कारण देख लिया है। And oblivious of all in the room, और जो भी उस रूम में बैठा था वो इस चीज़ से बेखबर था। एंड अंडर द स्पेल ऑफ ए वेराइटेबल न्यू बर्थ लीव्ड टू हिज फीट। एक नए जन्म के मंत्र के तहत उसका एक सच्चा, एक नया जन्म हुआ था, उसके खुशी के मारे उसने उछला अपने पैरों से और चिल्लाया, आई सी इट, आई सी इट, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वट हैड हैपन्ड, हुआ क्या था? ही हैड मेट हिमसेल्फ, वो अपने आप से मिला था। अ न्यू सेल्फ, एक नई आत्मा से मिल चुका था। हिज रियल सेल्फ, एक वास्तविक आत्मा से मिला था।
विच ही नेवर बिफोर हैड सीन, जो कि उससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी. एंड द रिवेलिएशन चेंज्ड हिम फ्रॉम फेलियर टू अ पोटेंशियल सक्सेस, और जो उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस ज्ञान ने उसको फेलियर से यानी कि असफलता से एक संभावित सफलता में बदल दिया था. द पॉसिबिलिटीज ऑफ विच वर लेटर अबेंडेंटली रियलाइज्ड, जो संभावनाएं थी वो बाद में भारी मात्रा में महसूस की जाने लगी. ही वॉज नाउ अ ग्रैंड सक्सेस इन वट एवर ही चूज टू डू, अब जो भी वो काम करने के लिए चुनता था उसमें उसको शानदार सफलता मिलती थी. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये जो चैप्टर है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है. तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, यू आर ग्रेटर देन यू थिंक, आप जितना सोचते हैं उससे कई अधिक है. इन हिज फेमस एड्रेस ऑन द एनर्जीज ऑफ मैन, विलियम जेम्स अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट सेड, विलियम जेम्स एक बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण द एनर्जीज ऑफ मैन में कहा था, मैन हैव हैक्चुअली यूज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पावर्स विच दे पोजेसिस. उन्होंने कहा था कि जो एक व्यक्ति है वो आदत के अनुसार जो उसके पास शक्तियाँ हैं, जिस पर उसका अधिकार है, उन शक्तियों का सिर्फ एक छोटा सा अंश इस्तेमाल करता है, एंड विच दे माइट यूज अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस, और जो वो शक्तियाँ हैं शायद उपयुक्त परिस्थिति में इस्तेमाल करता है. अ साइंटिस्ट इज रिपोर्टेड रिसेंटली टू हैव सेड, एक वैज्ञानिक ने हाल ही में सूचना दी है, दैट द एवरेज मैन यूजिस बट 20% ऑफ हिज ब्रेन पावर. उस वैज्ञानिक ने कहा है कि जो औसत व्यक्ति है अपनी पावर्स को, अपनी शक्ति को यूज़ तो करता है बट सिर्फ 20% ही यूज़ करता है. When you think of some people, that sounds like optimism. जब आप कुछ लोगों के बारे में सोचते हो तो वो आशावादी लगता है. Think of it you are using. If you are an average person, only 1/5 of your mental capacity. अगर आप एक एवरेज पर्सन हो, औसत आदमी हो, तो आप अपनी दिमागी क्षमता का, मेंटल कैपेसिटी का सिर्फ 5वां हिस्सा इस्तेमाल करते हो. तो इस बात के बारे में ज़रा सोचो जो राइटर कह रहा है. कंसीडर वट यू कुड मेक ऑफ लाइफ इफ़ यू इंक्रीज दैट बाय ओनली 50%. राइटर कह रहे हैं अगर आप अपनी पावर को सिर्फ 50% बढ़ा लो तो आप अपनी जो लाइफ है उसको कैसे बना सकते हो, इस बात पर विचार करो. इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल देर इज अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ अनयूज्ड पावर. प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में एक महान जलाशय होता है, भंडार होता है अनयूज्ड पावर का, यानी कि जो पावर्स हम यूज़ नहीं करते हैं. बट इन मैनी ऑफ अस जस्ट अ मिजरेबल लिटल ट्रिकल इज गेटिंग थ्रो एंड ऑन दैट वी लिव एंड डू अवर वर्क. बट परंतु हम में से कई लोगों कि जो पावर है उस भंडार में से छोटी छोटी चाल, थोड़ी धीमी धीमी चाल में निकलती रहती है पावर, और उसी पावर पर हम काम करते हैं और जिंदा रहते हैं. द ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू पुट अ की इनटू द लॉक, टर्न बैक द स्लूस गेट्स एंड लेट दैट पावर लाइक अ टेरिफिक स्ट्रीम फ्लो इनटू योर माइंड एंड पर्सनैलिटी. जीवन का सबसे महान रहस्य ये है कि ताले में चाबी को लगाओ, जो स्लुइस गेट है दिमाग के दरवाजों को खोलो, और जो पावर है उसको भयानक धारा की तरह अपने मन और व्यक्तित्व में बहने दो. तो बेसिकली जो स्लुइस गेट्स हैं उनका मीनिंग होता है जल मार्ग, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो. ये जो जल मार्ग होते हैं, स्लुइस गेट्स होते हैं, ये पानी को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं. इट विल ट्रांसफॉर्म यू इन टू अ पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस, वेल एबल टू मीट एंड मास्टर ऑल सर्कमस्टांसिस. अगर आप अपनी शक्तियों को माइंड और पर्सनैलिटी में बहने दोगे तो जो वो शक्तियाँ हैं वो आपको एक शक्तिशाली और प्रभावशीलता व्यक्ति में बदल देंगी. वेल एबल टू मीट एंड मास्टर ऑल सर्कमस्टांसिस, आप सक्षम और मास्टर रूप में सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हो. The important thing to emphasize is that it is a source of inward powers. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर जोर देना चाहिए वो है source of inward powers, यानी कि जो आंतरिक शक्तियाँ उनके स्रोतों पर हमें सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए.
बाय विच, जिसके द्वारा वीक पर्सनैलिटी कैन बिकम स्ट्रोंग, जो कमज़ोर व्यक्तित्व है वो बलवान बन सकता है। डिवाइडेड पर्सनैलिटी कैन बिकम यूनिफाइड, जो विभाजित व्यक्तित्व है वो यूनिफाइड यानी कि एकीकृत बन सकता है। हर्ट माइंड कैन बी हील्ड, जिनके मनों को चोट लगी है वो ठीक हो सकते हैं। एंड द सीक्रेट ऑफ पीस एंड पॉइस अटेंड, और जो शांति और संतुलन का जो रहस्य है वो हमें प्राप्त हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, द एस्केप फ्रॉम फियर, डर से कैसे बचे। अ ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस इशूड सम ईयर्स अगो अ वॉल्यूम ऑफ सर्मन्स, कुछ साल पहले एक ब्रिटिश प्रकाशन संस्था ने उपदेशों की पुस्तक को जारी किया था अंडर द टाइटल इफ आई कुड प्रीच ओनली वंस, और उसका शीर्षक था अगर मैं केवल एक बार उपदेश दे सकता, ये था बुक का शीर्षक। वन ऑफ दी सर्मन वाज बाय गिलबर्ट चेस्टर्न, उन उपदेशों में से एक उपदेश था गिलबर्ट चेस्टर्न का। इफ आई हैड ओनली वन सर्मन टू प्रीच, चेस्टर्न डिक्लेयर्ड, इट वुड बी सर्मन अगेंस्ट फियर, तो चेस्टर्न ने कहा था कि अगर मेरे पास एक उपदेश होता देने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो वो उपदेश होता डर के खिलाफ, डर के विरुद्ध। Why should this eminent man of letters single out so ordinary an adversary? तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है कि क्यों इतने प्रसिद्ध, इतने विद्वान व्यक्ति ने इतने साधारण से विरोधी को चुना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आंसर हमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज फियर इज़ वन ऑफ मैंस मोस्ट कॉमन एनिमी। सबसे पहली बात तो ये, जो डर है वो व्यक्ति के आम दुश्मनों में से एक दुश्मन है। इट टचेस एवरी वन ऑफ अस इन सम वे, ये जो डर है वो व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करता है। इसीलिए जो चेस्टर्न थे उन्होंने डर को, फियर को चुना था सर्मन के लिए, प्रचार करने के लिए, उन्होंने उपदेश देने के लिए किसको चुना था, फियर को, डर को। मैनी पीपल फॉर एग्ज़ाम्पल हैव फाइनेंशियल फियर्स, बहुत लोगों को फाइनेंशियल फियर है यानी कि वित्तीय भय है। वी हैव फियर ऑफ इल हेल्थ, हमें खराब सेहत का डर है। एंटिसिपेटिंग द डायरफुल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ बींग ओवरटेकन बाय सम बॉडली अफ्लेक्शन, जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट से ग्रस्त है या जो व्यक्ति बीमार है वो पहले से ही भयंकर परिणाम की आशंका लगा लेता है। वी अलाउ आवर सेल्फ टू बी मेड मिजरेबल बाय फियर, हम अपने आप को खुद अनुमति देते हैं डर से दुखी होने की। और व्हाट द फ्यूचर होल्ड, हमें इस बात का डर होता है कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा। और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पास्ट एक्ट एंड डिसीजंस, और हमें इस बात का डर होता है कि जो हमने पहले जो भी हमने काम किए, एक्ट किए या हमने कोई भी डिसीजन लिए, निर्णय लिए हैं, उनका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा, उस बात का हमें डर रहता है। फियर्स ऑफ वन काइंड एंड अनदर हॉन्ट अस एंड कास्ट अ शैडो ओवर अवर हैप्पीनेस, एक या दूसरी तरह के जो फियर होते हैं, डर होते हैं, वो हमेशा लगातार सताते रहते हैं हमें और हमारी खुशियों में साया बनकर खड़े रहते हैं। No person is at his best or in full control of his powers if he is the victim of fear. कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा और उसका अपनी पावर्स पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा अगर वो डर का शिकार है तो। In many ways, fear lays its paralyzing hand upon an individual. कई मायनों में डर है जो व्यक्ति पर लकवाग्रस्त हाथ मारता है, यानी कि कोई ऐसी चीज मारता है जो व्यक्ति को कमज़ोर बना दे, असमर्थ बना दे। एंड बिकम अ चीफ ऑब्स्टेकल, और सबसे बड़ी बाधा बनता है टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का जो पूर्ण विकास है उसमें सबसे बड़ी बाधा बनता है। एंड टू द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, और जीवन में जो सफलता की जो उपलब्धि है उसमें वो सबसे बड़ी बाधा बनता है। द पर्सन हु विशेज टू बिकम अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ लिविंग मस्ट लर्न टू कॉन्क्वायर एंड सबड्यू हिज फियर, अगर व्यक्ति को जीवन की कला में निपुण होने की इच्छा है तो उसे फियर पर, डर पर जीत पानी होगी और अपने डर को वश में करना होगा।
दिस इज़ अ प्रॉब्लम कॉमन टू अस ऑल एंड आई वॉन्ट टू स्टेट एट द आउटसेट द एनकरेजिंग फैक्ट दैट एनी एंड एवरी इंडिविजुअल कैन एस्केप फ्रॉम फियर। तो राइटर कह रहा है कि ये जो डर की प्रॉब्लम है, समस्या, ये सबके लिए आम है। तो मैं शुरुआत में एक प्रोत्साहित करने वाला तथ्य बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति डर से बच सकता है। रिमेंबर दिस, हाउ एवर ओनली यू कैन कॉन्क्वर योर फियर। यह बात याद रखना कि आप अपने डर पर जीत पा सकते हो। अदर मे हेल्प यू बट अल्टीमेटली यू मस्ट डू इट योर सेल्फ। अन्य लोग आपकी मदद कर सकते हैं पर अंत में आपको ये काम खुद करना होगा। द फर्स्ट स्टेप एंड फॉर दैट मैटर, पहला कदम इस मामले में, अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंपेन अगेंस्ट वन फियर्स इज़ टू गेट अ कम्प्लीट एंड थ्रो गोइंग नॉलेज ऑफ देम। कोई भी व्यक्ति द्वारा अपने डर के विरुद्ध जो अभियान होता है, उसका सबसे बड़ा मुख्य अंश ये होता है कि वो अपने डर के बारे में पूर्ण और गहरा ज्ञान उसे होना चाहिए। ब्रिंग देम आउट इन टू द लाइट ऑफ डे एंड वॉच देम श्रिवल अप। उसे दिन की रोशनी में बाहर लाओ और सिकुड़ते हुए उन्हें देखो। अ फियर इज नॉट अनलाइक अ घोस्ट। जो फियर होता है, डर होता है, वो भूत से भिन्न नहीं होता है, अलग नहीं होता है। इट फ्राइटन्स यू इन द ग्लूम। डर आपको अंधेरे में डरा सकता है, बट देर इज नॉट मच टू इट वेन यू गेट इन टू द लाइट। अगर आप उसे रोशनी में ले आओ तो उसमें कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वंस फियर नेवर हैपन्स। ज़्यादातर चीज़ें जिससे हम डरते हैं वो कभी होती नहीं है। एट लीस्ट दे डू नॉट अमाउंट। कम से कम कुल मिलाकर कुछ भी नहीं होता है। एज वन फ्रॉग इन अ पॉन्ड मे साउंड लाइक अ हंड्रेड। जैसे एक तालाब में एक मेंढक की आवाज़ 100 मेंढकों की तरह लगती है। वेन वन इज ट्राइंग टू स्लीप, जब एक आदमी सोने की कोशिश करता है। सो वन लिटल फैक्ट मे बी इनराज्ड बाई मेंटल फियर एंड डिस्टोर्टेड इमेजिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन टू इट्स रियल साइज। मानसिक भय और विकृत कल्पना द्वारा एक छोटी सी चीज़ को, एक छोटे से फैक्ट को हम एक बड़ा आकार दे देते हैं एक डर की वजह से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइटर है वो एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो स्टोरी क्या है? वंस इन ए लोनली कैबिन ऑन अ डार्क नाइट डीप इन द नॉर्थ वुड्स आई हियर्ड ऑन द पोर्च नॉइसिस दैट सेंट अ शिवर अप माई स्पाइन। एक बार की बात है कि जो राइटर है वो अंधेरी रात में घने जंगल में, जो नॉर्थवुड एक जंगल का नाम है, तो वो एक घने जंगल में अंधेरी रात में अकेले कैबिन में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बरामदे से कुछ आवाज़ें आ रही थी वो सुनी, जिससे उनकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें कमकमनी सी उठ गई थी। इट शुड लाइक द क्वेश्चन अप्रोच ऑफ सेवरल इंटरडर्स। वो जो आवाज़ें थी वो ऐसे लग रही थी कई घुसपैठी जो सावधानी से उनकी तरफ आ रहे हैं। आई सेट ट्रांसफिक्ड रूटेड टू माई चेयर। मैं अपनी चेयर से बंधा हुआ था, यानी कि चिपक कर बैठा हुआ था। विद एवरी हेयर सीमिंगली स्टैंडिंग ऑन एंड, मेरा हर एक रोंगटा खड़ा दिख रहा था। न्यूज़पेपर अकाउंट्स ऑफ अ रीसेंट मर्डर इन दैट सेक्शन फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड। उसी क्षेत्र में अभी हाल ही में एक हत्या हुई थी, जो उसकी समाचार पत्रों में जो उनका वर्णन दिया हुआ था उनके दिमाग में तुरंत आ गया। दिस इज़ द एंड आई थॉट। उन्होंने सोचा ये मेरा अंत है। बट आई वॉज फार फ्रॉम बींग प्रपेयर टू डाई। पर मैं मरने की तैयारी से भी दूर था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई। मैं मरना नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ देयर। मैं वहाँ से बाहर जाना चाहता था। Finally, unable to stand the suspense longer and desperation lending bravado, अंत में मैंने दुविधा और निराशा को ज़्यादा देर सहन ना करते हुए बहादुरी से I leaped to the door, मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई and flung it open expecting to see a whole array of gangster with machine guns and pistols, और ये उम्मीद कर झटके से गेट खोला कि मुझे बाहर बदमाशों का पूरा समूह मशीन गन और पिस्टल से दिखेगा। इंस्टेड अ लिटिल चिपमंक स्करीड ऑफ इनटू द डार्कनेस। बट बदमाशों की बजाय मुझे एक छोटी सी गैलरी जो अंधेरे की तरफ दौड़ गई
वो दिखी थी। लिविंग बी लिम्प एंड मोर्टिफाइड, मैं वहाँ पर बेवजह और शर्मिंदगी से खड़ा रह गया। बट येट द लर्नर ऑफ अ ग्रेट लेसन, पर मुझे एक महान लेसन सीखने को मिला है, नेमली दैट इट इज़ वेरी सॉलिटरी टू गेट अ गुड लुक योर फियर्स। ये अगर आप अपने फियर्स को, अपने डर पर अच्छे से नज़र मार लें तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। एंड दैट व्हेन यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं, दे आर मच लेस इम्प्रेसिव देन यू हैड इमेजिन देम टू बी। अगर आप अपने जो फियर्स हैं उस पर अच्छे से नज़र मारते हैं तो आपके जो डर हैं वो कल्पना से कम हो जाएंगे, कम प्रभावशाली लगने लगेंगे, क्योंकि हमने अपने डर को अपनी कल्पना में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर हम उस पर अच्छे से नज़र मार लेंगे तो वो कम प्रभावशाली लगने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है, फेथ इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा। अ ग्रेट जापानीज कागावा, अ प्रीचर एंड सोशल वर्कर, वंस विजिटेड अवर कंट्री। एक महान जापानी कागावा, जो कि एक उपदेशक और सोशल वर्कर थे, उन्होंने हमारी कंट्री में एक बार दौरा किया था। एवरीवन नोटेड दैट ही कैरिड अबाउट हिमसेल्फ अ सेंस ऑफ पीस एंड पॉइस। सब ने उनकी शांति और शिष्टा की भावना पर ध्यान दिया। एन इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस दैट वॉज ट्रूली रिमार्केबल। उनकी अंदरूनी शक्ति और आत्मविश्वास सचमुच उल्लेखनीय असाधारण था। कागावा हैड डिस्कवर्ड अ प्राइजलेस सीक्रेट। कागावा ने एक अनमोल रहस्य की खोज की थी। एंड ही गेव अस हिज सीक्रेट बाय सेइंग दैट इफ वन विल डू एज ही डिड। और उन्होंने अपना सीक्रेट, रहस्य ये कहकर दिया कि जैसे उसने किया वैसे ही करेंगे। इमर्ज वन सेल्फ ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन द ग्रेस ऑफ गॉड। स्वयं को, खुद को लंबे समय के लिए भगवान की कृपा में तल्लीन कर लो, उनकी कृपा में अपने आप को डुबो लो। वन विल एंटर इंटू अ प्रोफाउंड काम दैट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय। अगर एक बार आपको गहन शांति की प्राप्ति होगी तो कोई भी चीज़ आपको नष्ट नहीं कर सकती। यही था जो कागावा का अनमोल रहस्य था। कागावा सेड दैट इनकाउंटरिंग मॉब्स, थ्रेटन्ड बाय सोल्जर्स, हर्ट बाय ओपोनेंट्स, द काम नेवर लेफ्ट हिम। कागावा कहते हैं मुठभेड़ भीड़, यानी कि लोगों की भीड़ का सामना करना, सैनिकों द्वारा धमकी, विरोधियों द्वारा चोट, इन सब के बावजूद शांति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हिज आई साइट वॉज थ्रेटन्ड, उनकी आँखों की रोशनी का जाने का खतरा था। डिजीज एफ्लिकेटेड हिम, रोग ने उनको पीड़ित कर दिया। बट ही नेवर लॉस्ट हिज काम, पर इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी शांति को नहीं खोया। ही टेस्टिफाइड दैट ही वॉज ऑफन अमेज्ड बाय द डेप्थ ऑफ दिस पीस। वो गवाही देते हैं, वो बताते हैं कि वो अक्सर इस जो पीस की गहराई है, वो खुद इस पीस की गहराई से, शांति की गहराई से चकित रह जाते हैं। दिस ही एश्योर्ड अस ही हैड फाउंड इन गॉड। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि ये जो शांति है उन्हें भगवान से मिली है। इन दैट रिलेशनशिप ही लॉस्ट ऑल हिज फियर। भगवान के साथ रिश्ता होने के कारण उनके जो भी फियर थे, जो भी डर थे, उनसे उनको मुक्ति मिल गई है। वो सभी डर उनके अब ख़त्म हो चुके हैं। देयर इज द रियल एस्केप फ्रॉम फियर। यही एक वास्तविक तरीका है डर से सही में बचने का। गेट अ डीप अनशेकेबल फेथ इन द फैक्ट दैट यू आर नॉट अलोन। आप इस फैक्ट पर गहरा और अटल विश्वास रखें कि आप अकेले नहीं हैं। बट दैट गॉड वॉच इज ओवर यू एंड केयर फॉर यू। भगवान आप पर नज़र रखते हैं और आपकी परवाह करते हैं। एंड विल ब्रिंग यू थ्रू ऑल डिफिकल्टीज, और सभी कठिनाइयों से आपको बाहर निकालते हैं। देन यू विल हैव टोटल पीस ऑफ माइंड, तभी आपके मन को पूर्ण शांति मिलेगी। कॉन्फिडेंस नॉट फियर विल बी योर्स फॉर एवर। कॉन्फिडेंस सदैव के लिए आपका होगा, ना कि डर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे लगता है आपको ये जो चैप्टर है समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।